अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज की गाल में मां हवां जी मेज़बान सबीन मेमण। नाजरीन, घट बरसातू पवण करे गुजरियल केतरे अरसे खां थर में डुकार वारी सूरत हाल है। हुकूमत जी इमदादी सरगर्मियों पिण जारी आहिन, पर उन बावजूद थर में डुकार के डिक्लेयर नाहे कयो वियो। हुकूमत जी इमदादी कारवाइन तहत थरी अवाम के रिलीफ ॾियण जी कोशिश कई पई वञे। उते ई थरी अवाम में कणक जी विरासत पिण जारी आहे, पर इहा विरासत 1998 जी आदमशुमारी तहत कई पई वञे। थर में वधीक सूरत हाल मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे थर में सिंध टीवी न्यूज़ जे रिपोर्टर गुलज़ार गुलोठो सां। गुलज़ार, थर में हिन वक़्तु डुकार जे हवाले सां कहिड़ी सूरत हाल आहे? जी, थर में डुकारी सूरत इंतिहाई जेको ॾींहों ॾींहुं ख़राब थींदी पई वञे। पर सिंध हुकूमत थरताग ज़िले में अञा ताईं जेके इमदादी कार्रवाई शुरू करे न सघी आहे। जॾहिं थरताग ज़िले में ॿ भेरा अॻु में मुफ़्त वारी कणक जी विरास थी चुकी, पर हिन वक़्तु जेको सो टे महीननि खां पोइ वरी ॿीहर जेका थर में मुफ़्तारी कणक जी विरासत शुरू कई वई आहे। पर जेका विरासत कई पई वञे थरताग ज़िले में कणक जी, उहा 1998 आदमशुमारी तहत कई पई वञे। पर उन में ॾिठो वञे थर जा बराड़ी जा जेके ॻोठ आहिनि तक़रीबन उहो 3000 खां वधीक ॻोठ आहिनि, ऐं 80000 खां वधीक जेके खानदान आहिनि उहे उन मुफ़्तारी कणक खां महिरूम आहिनि। पर थरताग ज़िले में हिन वक़्तु जेके बरसातूं पियूं आहिनि, उहो मिठी शहर आहे, कुझु दीपलो शहर आहे, उन भर वारे इलाइक़नि ते थोरा घणियूं त बरसातूं पई पियूं आहिनि। पर उते माण्हू जेको उमेदूं सम्झी ॿीहर बरसाति जूं ॿनियूं जूं खेड़ाई कयूं आहिनि, ऐं हिन वक़्तु जेको थरताग ज़िले में मामूली जेको फसल थिया आहिनि उहे बि बरसाति न पवण करे सुकी ठोटींदा पिया वञनि, ऐं थर में चौपाए माल जो चारो पिणु ख़तमु थी चुको आहे। पर ज़िले इंतिज़ामिया हितां जेके रिपोर्टूं मथे जेके मोकिलियूं उन हवाले सां अञा थरताग ज़िले खे न डुकार सतह लाइको कराए ॾिनो वियो आहे, न वरी जेके इमदादी कारवाई शुरू कई वियूं आहिनि। पर थर में थर जे वॾो वज़ीर हिते दौरो करे चुको आहे, अॻूणो सदर आसिफ ज़रदारी हिते अची चुको आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अची चुको आहे। हुकूमत जो त इहो चवणु आहे त थर में इमदादी सरगर्मियूं हलंदड़ आहिनि। जी, थरताग ज़िले में 8 वज़ीर अला सिंध सईद कायमल शाह आयो, हिकु भेरो जेको सिंध मुल्क जो अॻूणो सदर आसिफ ज़रदारी आयो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी आयो, वज़ीर नवाज़ शरीफ़ आयो हो। पर हुते ऐलान त वॾा वॾा कया विया, हुन ते ऐलान जेके ऐलान कया विया हुननि जे ऐलान ते को बि अमल न थी सघियो आहे। न वरी जेके इमदादी कारवायूं जेके आहिनि उहे शुरू कयूं हुयूं, जॾहिं कणक जेका 65000 खां वधीक जे गोदाम में पियल हुई हुनजी हिन वक़्तु थी चुकी आहे, ऐं हले पई जेका विरासत उहा बि सिर्फ़ु मखसूस जेके माण्हू आहिनि उन्हनि खे ॾिनी पई वञे। पर अञा ताईं जेके 80000 खां जेके वधीक जेके खानदान थर आहिनि उन ताईं न केरु इमदादी कारवायूं पहुची सघियूं, न वरी उते को सिहत जूं सहूलियतूं आहिनि, न वरी के वरी जेके इमदादी कारवायूं जेके आहिनि उहे पिणु शहरनि ताईं महदूद ॾिठो वञे त शहरनि जेके इमदादी कारवायूं थियनि पियूं उहे शनाइकार नंबर ऐं खानदान ते कयूं पियूं वञनि। ॿारहारी में जेके बि ॻोठ परे परे वारा आहिनि उन में 80000 खां वधीक जेके खानदान आहिनि उन में न वरी अॻु में जेका मुफ़्तार कणक विरासत कई हुई, न वरी के खाद खोराकारियूं जेके शयूं पीडीएम में एडीएम तरफ़ां जेके आयूं उहे ॾिनियूं वयूं हुयूं उहे पिणु मखसूस माण्हुनि ताईं महदूद कयूं हुयूं, ऐं वॾे पैमाने जी कर्षण कई हुई। सभु हुकूमत जी दवाऊं इहे आहिनि त असां थर में इमदादी कार्य शुरू कयूं आहिनि। पर ॾिठो वञे थर में सिर्फ़ु इमदादारीअ जा कणक मुफ़्तारीअ जा कणक 50 किलो फी खानदान, जेकॾहिं 50 किलो फी खानदान ॾींदा त हिकिड़े खानदान 10 खां 15 भाती आहिनि उहे 50 किलो केतिरे खाई सघनि था। पर हिन वक़्तु जेको ॾिठो वञे हिन वक़्तु न को खाद ख़ुराक आहे, न के सिहत जूं सहूलियतूं आहिनि, न वरी के ॿियूं के सहूलियतूं आहिनि, उनजो हिते मौक़ा फिराम कया विया आहिनि, ऐं माण्हू हिन वक़्तु बुखनि में पिया आहिनि, चुपाए माल जेको आहे। जेका मुफ़्त कणक फराम कई थी वञे हिन जो टाइम पीरियड छा आहे, केतिरे केतिरे वक़्त खां पोइ इहा माण्हुनि खे ॾिनी थी वञे? जी, जेका मुफ़्तार कणक जेका अॻु में ॿ भेरा कई हुई, पर उनखां पोइ हिन वक़्तु जेको कणक जी विरासत थिए पियो 4 महीना गुज़री वञण खां पोइ कई थी वञे, ऐं हितां जा जेके मिसकिन माण्हू आहिनि जे बुखनि में पा थी ऐं पंहिंजो चुपायो माल जेको आहे उहो पिण जेको बुखनि में उनखे न चारो मिली सघियो, जंहिं करे माण्हू वॾे पैमाने ते जेके लॾपला करे चुका आहिनि उहे पिण बैराजी इलाइक़नि में रहनि था। हिन वक़्तु पिण लॾपला जो सिलसिलो जारी आहे, पर सिंध हुकूमत न वरी उन लॾपला खे रोके सघी आहे, न उन को खाद खोराक जी शयूं या चौपाए माल जो चारो। पर जेको अॻु में चौपाए माल जो जेको चारो आयो हुयो उहो 76000 जेको सिंध लाइव स्टॉक जो सेक्रेटरी हुन मोकिलियो, उन जी कदम ते 5 किलो जो वज़न लिखियलु हुयो, पर हिते जॾहिं हुन वज़न कयो बगा 2.5 किलो जेको हुनजो थियो चौपाए माल जे चारे जो उहो पिणु मखसूस माण्हुनि खे हिते ॾिनो हुयो। पर ॿारहारे में किथे बि कंहिं हंध ते न चौपाए माल खे चारो ॾिनो हुयो, न वरी को हुनजो इलाजु कयो हुयो, जंहिं
करे तकरीबन वे तैदाद में जो चौपा माल मरी चुको है उन अग में जैसे वजीर अला सिंधी से आयो अठ भेरा उन ऐलान किया थर में जे गजाई खोट सब मैसू बाहरा जे फोत थे उन वारसन के जो ब लख दिना वा पर उन भी ऐलान को थर में यूनिवर्सिटी ऐलान किया वो सी थर में सारा सस् जे आर ओ प्लांट हुआ खारे पानी मिठो कर अमल थी सो उन आसू सरदारी आए उन पिण यो ऐलान किया डेढ़ सौ दख दस्तरखान लगा उन अमल को अड़ा काफी सारा जो ऐलान हुआ या उन अमल थी सो न वरी को मुतासर तीन इमदादी वे पैमाने जी कवचन कई वही है उन इतना जो मिया शाह रब्बानी जो हाईकोर्ट पर जज मुकर उन पिण बार बार हाईकोर्ट के रिपोर्ट मोकिल इतना के डिप्टी कमिश्नर जिले उन्होंने अलग रिपोर्ट मोकिल पर उन को भी अमल न किया वक्त पिण उन जज के जो कुछ कणक की विरासत कई पे उन गाड़ी तेल न वही सेंटर ती रिलीफ इंस्पेक्टर जज पे सो न उनकी निगरानी कई थी वे छो तो उन गाड़ी भी तेल ही बंद गवर्नमेंट कर छो वक्त जो थर की सूरत खराब सूरत है मानू मानी कर प्रेशरन माल जो चौपायो माल है बीमारी के भुखू गुलजार मुख्य यो बुधा तो थर में इन वक्त जो चौपायो माल है तुम बुधा तो उन चारो भी खत्म थ चुको है मुख्तलिफ डुकार के कर उन्हें बीमारियों पिण लगी चुक हैं तो माल के थरी मानू जो घो गुजर सफर उन माल से भी थे तो पे माल जो इलाज किए कराइन था जी थरतागढ़ जिले में जो चौपायो माल है तकरीबन पंज का सत्तर लख लगभग चौपायो माल थे तो इतना के थरवासियों जो गुजर जो आखिरी जो वसीलो है पिण चौपायो माल है जैम नंढो जो चौपायो माल है पंटी का सतटी लख लगभग है जैमें रिडू बकरियों बोके जानवर पर जो वे तो उन जो सिंध सरकार पर न अग में को पर गोर लधी हुई ना सुका डुकारी सूरत द्वारा उनकी का माली मदद कई हुई पर चो उन चौपाए माल में जो बीमारी है वो सिर्फ बुखन विघे थे थी उ चौपाए माल वे तरह मरी पर उतना जे भाग्या जी वो चौपायो माल वो पान जो उन भुगड़े मुर्त से विक्रो करें उन्हें मा ही जो चौपाए माल जो दवाओं वगैरह मार्केट में वा पर एनिमल खाते पारा उनके न कोई दवाओं पे सदन थी न वरी को उन इलाज वे तो इन वक्त जो थरतागढ़ जिले में डुकारी सूरत में चौपायो माल जो मुंह है बीमारी बुखण विघे वे तैदा मुंह है पर अना ती न सिंध सरकार उन तरफ तो दिनी है न वरी इतना जो डिपार्टमेंट है इन्वेस्टमेंट न वरी उन माल जाके टीमू जोड़े उन गोठ में पेची सन न वरी उन इलाज कर सन जैसे वे तैदाद में चौपायो माल बिहार के जानवर वे पिण मरी चुका पर सिंध हुकूमत वी वफा कुछ भी उन दवा जो बंदोबस्त कर सी न वरी उन इलाज जी सहूलों कई हुई अच्छा गुलजार इमदादी सरगर्मियों का वी कणक की विरासत तीन जे सिंध हुकूमत पारा ऐलाना कया ऐलान कया वह थर में जैसे बार जो सो गजाई खोट के करतर बार मौत थी वो हो उन वक्त का इन वक्त तीन जो भी थर में कम थी रो है उन मॉनिटरिंग के हवाले से सूरत हाल है जी उन हवाले से जो थरतागढ़ जिले में जनवरी का वी अगस्त तीन बार मौत थो तकरीबन पंज सौ का गजाई खोट सबब मैसू बार मौत थो उन सिर्फ जो सिंध हुकूमत या इतना की जिले इंतजामिया उन सिर्फ टे सौ छहतालीस फिगर जान आई है वह पिण जी लिस्ट जी है एक तो इतने जिले इंतजाम की टेबल से अगत पूरी थी रही उन अगत मोकली वही वह पिण वजीर अला जैसे ये ताजो छाछरे में आयो तद उतान ज मीडिया यो सवाल कयो त अग में तवा ऐलान कया हुआ जैमें एम में जे ऐलान हुआ जी हाँ मैसू बाहरा हुआ जिनके ब लख रुपया बावजो दिनों गजाई खोट सब जो फोत थी चुका हुआ तदा वजीर अला सिंध यो ही तो वह लिस्ट अना तीन नमून पेची सी है न वही इतना जी जिले समा अस लिस्ट पेचाई है जैसे उन वालदन के न को मुआवजो मिली सो है न वरी उन किस्म की का मदद थी सी है पर जो वे तो थर के हवाले से बारहारी उन वक्त जो गजाई खोट सबब केतरा ही मैसू बार मौत थे तो जे तस्पताल पची ना सन जे अस्पताल में जे मैसू बार पचन था उन इलाज जो सो सही नमून न कर पे उनके इतना का वही अगत हैदराबाद कराची से रेफर कर विच रस्ते में जो मरो था उन पिण जो लिस्ट में उन नालो जो दर्ज न करता इंसान में लिस्ट में अगत मोकिल वो भी न कर पे वे पर बारहारी हवाले में जे वक्त जे डुकारी सूरत हाल है या
चौपाई मन वे पैमाने जो बीमारियों होने वे पैमा बीमारियों हली रही होने पहाड़ी में सेहत सहूलत ना पानी ना खाद खुराक ना नारी माल लाग चारो है उन वे पैमाने अगमे आया हुआ रिलीफ आया हुआ पीडीएम एडीएम तरफा सिंधु हुकूमत पारा जी आया उन वे पैमाने से खुर्द उनकी को भी अं तीन जिले समय पारा का भी न कई वही ना वरी उन्होंने को अमल कर रोजों बुण से केतरा ही मू मिस्किन मू पुरस्कलम सहारो वी एहसिया कन पर उन्होंने भी अमल न कर पे वे जी खानदान 20,000 का रहा था न उनके खाद खुराक न्यूज जो रिपोर्टर थर मां गुलजार गुल ओठो लाइन ते हो थर जी हवा सूरत हाल के हवाले से उन्होंने बुधा तो थर में न पानी है न खाद खुराक है हुकूमत जे के दावाओं कर रही है इमदादी सरगर्मी के हवाले से उ भी मानुन के उहो रिलीफ न दई रही हैं जो उन्हें देण घुर्जे प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो पर वक्त है ब्रेक जो वठूं था ब्रेक वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन इन वक्त असा थर मां रिलीफ जो इंस्पेक्टिंग जज मियां फयाज रबानी साहब लाइन ते अस्सलाम वालेकुम रबानी साहब वालेकुम सलाम रबानी साहब थर में इन वक्त जेका सूरत हाल आहे उन जी ता मॉनिटरिंग कयो पया इंस्पेक्टिंग जज आयो ता थर में जदे खा दुकार आयो केतरा ही बार फौत थया غذائی खोट जे करे तदे खा वठी इन वक्त तई थर जी सूरत हाल के किए ता दिसो तवा एक्चुअली मुसलसल टिन साल का बरसात न थे के करे ये जो दुकान की सूरत हाल है हाँ खतरनाक हद तक पहुंची वही है غذائی खोट और बरसात न थे के करे 400 का वधीक बार अजल जा निशाना बनया और हजारा मवेशी मरी वा इन वैक्सीन न थे के करे और ये नुकसान जो थर के आवाम जो नाकाबिले तलाफी नुकसान आए छो तो ही वो बर्दाश्त न था करे सकन उन जो डिपेंड ही इन कह सो मवेशियन से डिपेंड हों जिले हुकूमत जी वक्त का अग में जड़ो उपाव वे शायद अड़ी सूरत हाल हद तई न पहुंचे हा जिले इंतजामिया रिलीफ के हवाले से हंगामी बुनियादन से डॉक्टर भर्ती कया चाइल्ड स्पेशल भर्ती कया पर अफसोस उन घे कदर डॉक्टर भी ड्यूटियों न जॉइन क्यों गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों घड़ी बंद थियं वो न खुलन जड़ी हुई हालांकि जिले इंतजामिया के पारा तमाम कणक दवाओं पानी इनकी खोट न हुई जोट हुई तो इन शहर की हुई तो उनको रिलीफ के हवाले से विरासत हुई डिस्ट्रीब्यूशन हुई वो अनफेयर हुई इन सजो सिस्टम थोड़ा खराब थो मां इनकी मॉनिटरिंग क्या पो अस मौकफ सिर्फ एतो आको भी थरपारकर जहा दुकान जहा सतायल उनके जेकी भी रिलीफ के हवाले से सामान मिले तो असा उनके उनको हक समझी उन तई पुजाऊँ या उनके इंश्योर क्यों तसा जी कणक आ मालिक तई पोची न पोची कणक की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से तसो तेतरा केस अस पकड़िया जेठे पैमाने से जे गोपियों चवंदा वे पैमाने थी रिकॉर्ड की गाल यो कणक पई आ नुकसान थे थी डिस्ट्रीब्यूशन नी थे पांजे लेवल से उनके डिस्ट्रीब्यूट करन था जो भी उनका तरीकोकार हो यो सिलसिलो हले तो हाँ जो थर्ड फेज शुरू थो थर्ड फेज में इतने जिले इंतजामिया जो डिप्टी कमिश्नर साहब भी कोआर्डिनेशन अस न तो करे छो तो मेकी गाड़ी आो विजिट कर या इंश्योर कर सभी शेयर के वो भी तमाम खुटल आ कें टायर पंचर आ कें इंजन वेठो आका स्टार्ट आ हाँ पेट्रोल 10 लीटर ईंदा हुआ हफ्ते में एक भेरों भेरों वो भी रिफ्यूज कर छो इन जो भी ढो अफसोस है तो शायद न था चाहन तो असा इन कम की निगरानी क्यों या ही कम सीधे नमूने से वे
रबानी साहब, हुकूमत तो वड़ी वड़ी दवाओं कंदी रही है तो असा थर के बिल्कुल बदलाए छदींदी थर में यूनिवर्सिटी कायम कंदी जे बार फौत थी वाया उन्होंने वारिसन के मुआवजे मिलने के हवाले से भी तुम बुधा असा खबर पई जान मिली तो उन्हें वारिसन की लिस्ट भी अजा तक न ठही सकी है। उनका अलावा 150 दस्तरखान के ऐलान से आसिफ जरदारी साहब जो अमल न थी सको है। 750 आर ओ प्लांट्स जे लगने जो गालू कई वही उन्होंने अमल न थी सको है। डॉक्टर के हवाले से तुम बुधा तो हुकूमत एडी वड़ी वड़ी दवाओं छो थी करें जैसे उन्होंने बुधा वे तो इन तरह की सूरत हाल है तो बिल्कुल इनका डिनाय कनता उनके ना मनन हाँ ये जी भी गाल क्यों सब दुरुस्त हैं पर इनको जो जवाब वो गवर्नमेंट ही देे थी रिलीफ इंस्पेक्टर जज उनको मावट जवाब न मावट सजेशन थी सके थी तो जैसे असं ये क्यों तो हि थर के सोने नमूने से इनकी आवाम के रिलीफ दई सके तो छो तो हि भी नेशनलिटी इनकी पाकिस्तानी यो भी पाकिस्तान जो आवाम है सब का पे मुझे चवण यो तो जी एनजीओस कम कर थर पार्कर पूरे में उनके तुम सिलेक्टेड एरिया विराय दियो अठ गोठ दह गोठ पंद्रह गोठ एरिया उनके सिलेक्ट कर दियो तो बाबा एनजीओस तुम कम कर पाया तुम जो ये टुकड़ो है इनमें तुम्हारी प्रोग्रेस दिखारो तो तुम थर के कहो थर 22,000 एकड़न से मोहित वो उनके खबर ही नी पे तो वोट किथे उन्हें प्रोग्रेस है इनमें कंपिटिशन और हर इलाको गोठ अठ गोठ दह गोठ एकड़े जितने इनके मिलता एनजीओस के तो उनकी प्रोग्रेस सामू ही थर पार्कर में फैक्ट्रियों लगन खपन जी उन्हें मजदूर की कम वो पाँगी मेहनत मजदूरी कंदा आर ओ प्लांट थे खपन एजुकेशन की तरफ पूरी तवज्जो थे खपे ही जो हंगामी बुनियादन से गवर्नमेंट की तरफा लीक हों फॉर टाइम बींग हों असा के इन थर पार्कर के लिए बींग रिलीफ इंस्पेक्टर के जो मुझी ऑब्जर्वेशन इनन के अस परमानेंट को रिलीफ दूँ गवर्नमेंट इन बारे में सोचे जी गाल अग में क्यों त गवर्नमेंट अनाउंस क्यों हैं पर अमल न तो थे तो हि तो हाँ गवर्नमेंट आ मीडिया आयो असा जो रोल इन तई है जो भी रिलीफ अचे तो अस उनके इंश्योर क्यों तो वो थर पार्कर के आवाम तीन पहुंचे। रबानी साहब तहां जी गाल कई थे डिस्ट्रीब्यूशन जेका है वो अनफेयर है तो इन में तहां केड़ो इन वक्त तई किरदार अदा कयो है तहां जी जेका मॉनिटरिंग है या रिलीफ इंस्पेक्टिंग जेका तहां जी है उन सिलसिले में तहां पारा जेका रिपोर्ट दिनी वई है छा उन ते भी अमल न थी सकियो है जिन जिन शयन जी तहां पारा निशानदेही कई वई है। दिसो हाने असा जेकी भी शय निशानदेही कयो ता त जिले हेड जेको डिप्टी कमिश्नर साहब हुंदा ना असा हुनन के फॉरवर्ड कंदाउ त ही शय असा पकड़ी आ इन में इतनी गोपियो आन काइंडली इनके एफआईआर लॉज कर और अकॉर्डिंग टू लॉ इनके अमल कर सैकड़ा छा हजारा एप्लीकेशन मुझे रिकॉर्ड में पन जो फॉरवर्ड टू द डिप्टी कमिश्नर ऑनरेबल और बो मुख्तियारकार साहिबान के अस लिखी मोकलूँ तो बाबा इनके अमल कर हक इन दियो गोपियो न हो ये गरीब थर पार्कर जहा गुकार सतायल में तो घट में घट अड़ो जो तीन अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है न थियन खे तो वो रिकॉर्ड की गाल हर शे अवेलेबल है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जो रिकॉर्ड बना दो डिप्टी कमिश्नर साहब उपाव वता है एफ आई वगैरह लॉन्च क्यों चिक चिका थी है तेजे करे इन ताई कंट्रोल आए तो ही कुछ ना कुछ मेरे साह खन जेड़ा हैं अदरवाइज जेकने ही सिस्टम मथों ना हले आ या डिप्टी कमिश्नर साहब की कोशिश न थे तो यो मतलब जी रिकॉर्ड में पूरी थी वजे तो विराई थी वही और बे पास हली वजे वही मेहरबानी रबानी साहब अवान जी सिन टीवी न्यूज़ से गल नाजे अस रिलीफ जो इंस्पेक्टिंग जज मियाँ फयाज रब्बानी साहब लाइन थे जो असा बुधा तो गुजरियल टिन साल थर में जो सूरत हाल है इन वक्त तीन थर के डुकारियल डिक्लेयर न कर वो है काफ़ी सारू डिस्ट्रीब्यूशन में अनफेयर शूं उन्होंने सामू आयु जिन जी उन निशानदेही भी कई है वे उ कमिश्नर तीन जो रिपोर्ट मोकले शयन तुम एफ आई आर कटो पर जर इंतजामिया लापरवाही की होड के बरकरार रखो तो अना सूरत हाल खराब थी सके थी। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रह पर वक्त हो ब्रेक जो वठूं था ब्रेक
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन वक्त असासा खट्टूमल जीवन साहब लाइन ते आन। अस्सलाम वालेकुम खट्टूमल साहब। जी वालेकुम सलाम। खट्टूमल साहब, थर जी सूरत हाल जे हवाले सा असा आज प्रोग्राम करे रहे हैं। थर में इन वक्त जेका सूरत हाल है, गुजरल 3 सालन खा थर में जेके घट बरसात पवन करे बुकार वाली सूरत हाल ही जेंजे करे थरिन जो घणो नुकसान थी चुको है। इन वक्त तमा किए था दिसो जेको रिलीफ जो कम या इमदादी सरगर्मी जेके हली रही वाहन इमदादी सग में हवाले सा हते थर में अगे साल भी या बुकार जी सूरत हाल हुई। तमाम पान दिखो तो असंजी सिंध गवर्नमेंट जी का हिस्सा तमाम एक्टिवली उन्हें शय के हैंडल कर बुकार की सूरत हालतू जो पैदा थन थ खास तौर पर मानन जो जो जरिए मुआशा सो है सजो पंजे माल पे मवेशी पे अच्छा उन्हें ला उपाव वरता गया। असों अगले साल भी तकरीबन सजी लाइव स्टॉक के हवाले से सजी थर में वैक्सीनेशन कराईसों माल तमाम घो मरी रो उन कंट्रोल कियासी। रिलीफ के हवाले से भी अस अगले साल भी तकरीबन टे भेरा जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी सजी थर में चैनी तालकन थर गया उमरकोट के मथा थर लगे तो वो अच्छो थर जो सांगड़ के मथा लगे तो उनमें अस ये रिलीफ की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कईसों वो ऐसन तरीके से थी रही इन साल जो सिर्फ बारिशों का इम्कान हुआ पर टुकड़न टुकड़न में जिते बारिश पई ही उत जद मेचारो टिकटन से खेड़ू कराए कुछ आबादी थी जिते जिते बारिश पई मथा तूफान एडो सख्त लगो जो उ सब गाह भी लेटी रेटी हलो तो वो जो अनाज जो पोखियोसी वो भी रेटी हलिया उन हिंसर ताजी जो बारिशों पन वो भी तकरीबन सजी थर में को पन पर अस फौरी तौर से जो सो अग्नि एडवांस में ही अस बंदोबस्त रखे तो असो रिलीफ जो कम जो है वो हले पो मानुन के खाधो पहुंचाई पा कणक खास तौर पर थी खानदान जो है सो 50 किलो के हिसाब से बोरी के हिसाब से ये पहुंचाई पा 2.5 मण की खट्टूमल साहब। इन वक्त असे नुमाइंद कुछ बेन मानून सा गाल बोल थी है पर असक्त रिपोर्ट मिले पी वह यहाँ है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन थे पी विरासत थे पी टों भेरो जो कणक की विरासत कई पी वे तो उनमें गैप तमाम घड़ो है 4 महीनों जो उनमें गैप है बो वो अनफेयर थी रही है मखसूस मानून के थी रही है ये शिकायतू अग में भी हुई हाँ इन शिकायतन से तुम चवंद असते मौजूद आयो थरपारकर में इतने जैं भी किस्म की अड़ी किथे भी शिकायत अचे थी तो असं फौरी तौर से उनशन कहूँ था ये दिसो न थर 22-24 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर में फैलो पो अस कोशिश कईसों तो सेंटर अड़े तरीके से ठाजन माना जी अगे बिठी में गोडाउंस हों अस दहली में गोडाउंस अलग रखो है छाछरे में गोडाउन अलग रखो है मिठी में अलग रखो है डीपले में अलग रखो है इस्लाम कोर्ट में अलग रखो नंगर पार्कर में अलग रखो उतना ट्रांसपोर्टेशन जो मुख्तलिफ गोठन में अस रूट ठाईंदा मुख्तलिफ गोठन में जो मानुन वे डिपो कीपर गोठन वाले बाबा अगे जो रवाज हों पटेली ये तमाम घनी वडेरा जे हों खी वा उन शे के मद्देनजर रखी गरीब मन एंड यूजर तीन जो शे की पहुंचे उनके असा ऐसन तरीके से सजो फॉर्मुलो एंड यूजर तक क्यों पहुंचे अस कमेटू ठाइन गोठन जो जैमें स्कूल जो हेडमास्टर भी है जो चंगा मुड़स उन कमेटी भी है नोटेबल जी अस उनमें मीडिया जहा मू भी रखा उत पेशमाम भी रखो है जी गवर्नमेंट पहुंचे थी अगे वही ही अगे बंदन में जैसे भी अड़ी सूरत हिंदी तो वडेर की ओताक से वही कणक घुराबी उ बंद कर हाँ गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है उत हेडमास्टर के पाबंद किया बाबा कें किस्म की का शिकायत न अचे पर तें हूंदे भी शिकायतू अचन थ कालकन में तो अस फौरी तौर पर अस इंतजामिया के चई कर कोशिश क्यों था तो वो शड्रेस कन। खट्टूमल साहब, एकड़ो बो इशू है सामू आयो है गाल बोल दौरान वो यो है तो जो विरासत थे पी डिस्ट्रीब्यूशन जेका थे पई वो 98 जी आदमशुमारी तहत थे थी तां समझो था हाणे थर जी जेका आदमशुमारी है 16-17 लख वनी बीठी है जेके बहराड़ी वारा इलाका 3000 बहराड़ी जेका नंढा नंढा गोठ अची वन था उते जा 70-80 लख मानू अड़ा आन जेके इन इमदाद का महरूम रहन था या नजरअंदाज थी वन था इन ते तवा छा चवंदा जरला ये गल बिल्कुल तां जी दुरुस्त है
अठानवे न तो 2011 से असि पॉलिसी 2011 में जो बुकार आयो उन्हें फैमिलीज रजिस्टर थी वो हर गोठ में उन्हें हिसाब से अस डिस्ट्रीब्यूशन कई है बिल्कुल गाल दोस्त 2011 का 2014 तो लगा शादीशुदा मानू थे फैमिलीज बदून हिंसर अस कोशिश कई है तो जिते जिते फैमिलीज रहजी वयुन जेके उन्हन के असा सबनी के चयो बाबा जिन जिन गोठन में फैमिलीज हुए जेके कायन का रिलीव जी कण खा रहजी वयुन उए ता उन्हन जो लिस्टों ठाए असा के लियो आई कुछ पुठे दौर में यकीन ता कयो ता अरबाबन जो जने दौर उन वक्त जे के लिस्टों ठाए हो वो उन्हन छ कयो ही सियासी तौर पर लिस्ट उठाया हूं असा पहले दिन का पॉलिसी वाजे कई सौ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन केर कें भी पार्टी से गडल आसिफ साहब जो क्लियर जे से सीएम साहब जो क्लियर अस हिदायत हुई तो को भी मानू जो सो पार्टी बुनियाद तक को रहे उनो हाँ कोशिश या कई सौ तो जिते जिते कणक पौती है उन मानू के अस चवन था तो असा मू रही वह रहजी वन तो उतने असा मुख्तारकार तबेदार लोकल नुमाइंदो गई उन्हें गोठ की सर्वे क्यों था जे भी खानदान रहजी वन अल कभी के कंट दी को भी कोशिश कदासी माना ये डिमांड भी कई है सीएम साहब के जो फैमिलियों रहजी वन उनके रहजी वन तो वरी सर्वे करा सर्वे माना जे थोड़ा घा अचन था तो उत उन ढी अस खबर पैजी थी वे तो एतरे खानदान इतने रहा एतरा खानदान इन गोट में रहा तो उन भी अस कणक बंदोबस्त किया खटुमल साहब जो मॉनिटरिंग जो सिस्टम है हुकूमत जो रिलीफ देने जो कम करे पई कणक की विरासत थे पई इन मॉनिटरिंग जो सिस्टम के हवाले से जरूर तक पुछंदम छो तो कुछ वक्त बिन्ही प्रोग्राम में थोड़ा वक्त अग में मुझी गाल थी है तक अग में मियाँ फयाज रब्बानी साहब सा जे रिलीफ जहाँ इंस्पेक्टिंग जज भी उन्होंने भी यो चवण तो जो विरासत थे थी वो अनफेयर है मुतमिन को इन हवाले से उन्होंने रिपोर्ट भी मोकली है कमिश्नर के जैसे जिनकी शिकायतों अजालो नो सके उनके अलावा उनके कुछ शिकायतों भी हुई तो हुकूमत सिंध सरकार जो उनके नॉमिनेट किया है तो वो पैं कम की निगरानी करे उनके गाड़ी जो तेल नो दिनों वे केडी मेल कड़ा मसला है जो उन कम की प्रिपेयर तरह से निगरानी न कर सके प्रॉपर तरीके से बिल्कुल कंप्लेंट्स किसे वन थो रबानी साहब रबानी साहब भी फौरी तौर से उनके एक्शन खड़ी है असंसर्न जो डीसी उनके लिखो इन गोट में ही इजाती थी इन में बे इशू अचन था हाँ मसलो यो है जो कणक असि डिपू जो गवर्नमेंट या निपो खास अस अचन था अस कुछ माना हिंसर अस कोशिश या कई है तो असि गाड़ियों में पो सौ सौ वाली मशीन रखी है बोरी तोड़ वाली भी उन जिते भी अस मानुन के भी जो डिपू कीपर उन्होंने भी अस सख्ती से चेत बाबत तोड़ कर खड़ो पी कणक छो जो कणक घट अचे थी जैसे कटो जैसे पंजा किलो जो तो उन चार चार किलो घट पे आई तो वो वो फूड डिपार्टमेंट मोकली अस डिस्ट्रीब्यूशन अगत थिए थी वह असो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कन एक्सपेंसिस फूड डिपार्टमेंट ज अस यकीन हिंसर अली मद्दा शाह साहब भी गो चौथो दिन तो अस वेही कर उत जी छाछरे गोडाउन के विच में बोरू कढ़ाई तो वह बोरी असि तोड़े असि भी फूड डिपार्टमेंट का कणक अचे थी उनमें कें किस्म की घटताई न हो किलो या चार किलो पंज किलो भी घट पे निकती किथे डिपू कीपर जन उन भी ये पे तो अस मत कोशिश क्यों था ना माइन्यूट इशूज इन एड्रेस करें सही नमूने विरासत कजें खटुमल साहब थरन जो जो घो गुजर सफर आ वो माल ते है उन्होंने केतरो ही 60-70 लख माल हो जो उन्होंने केतरो ही मरी चुको है माल जो चारो भी इन वक्त जी अस इतला पहुंचाएं तो खत्म थी चुको है उन्होंने माल में बीमार के हवाले से उतने को जोगा उपाय न पाया वरता वन इन हवाले से तुम कड़ो कम किया है हाँ अर्ज यो है जिते जी बारिश पई है जिन जिन टुकड़न में मानू पो माल उत माल चारो वाके में खत्म थे पर कुछ इलाका अड़ा जिते तमाम सुठी बरसातू पन तो काफी माल उत शिफ्ट उन ही जो ी अस मीटिंग थी चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जैसे प्रिजाइड उनमें यो डिसाइड थो तो भाई ये जैस तीन ये गाह जिते जिते पॉकेट्स में आए वो खत्म थे अग अग में सिंध गवर्नमेंट चारे जो बंदोबस्त करे छो जो बोह शूं महंगू थी पेन जो मू मिसकिन मू में अगे साल के दुकार ज मू सतल उन माल में भी एडी सकत को हुई
उन खां पोइ हिते जेको असां वैक्सीनेशन जो बि प्रोग्राम शुरू कयो आहे ऐं चारे जो जेको असां बंदोबस्त कयो आहे त असांजो फोकस जो कणक खां वधीक जेको सो चारे ते आहे माल जे चारे ते इंशाल्लाह चारो पहुचणु शुरू थींदो ऐं असां डिस्ट्रीब्यूट करणु शुरू कंदासीं। खटूमल साहब, आख़िरी सवाल मां तव्हां खां करणु चाहींदमि त जेके ॿार मरी विया हुआ, हुकूमती सिंध सरकार त उन्हनि जो अंग 346 ॼाण आयो हुयो या उन खां कुझु वक़्तु वधीक, पर असांजे तलान ताईं 500 ॿार ग़ज़ाई खोट जे करे मौत जो खाज बणिया हुआ। उन्हनि जे वारसनि खे मुआवज़ो ॾियण जे हवाले सां जेको वॾे वज़ीर ऐलान कयो, उन ते अमल न थी सघियो आहे। इंतिज़ामिया उन लिस्ट खे फाइनल न कयो आहे जेका वॾे वज़ीर ताईं पहुची सघे। ऐं उन खां अलावा चार जेको थर में यूनिवर्सिटी बनाइण जे ऐलान ते जेको ऐलान कयो वियो, उन ते अमल न थी सघियो आहे। उन खां खोड़ सारा ऐलान कया विया डॉक्टरनि जे हवाले सां, त डॉक्टरनि जी जेके 8-8 डॉक्टरनि जूं भर्तियूं कयूं वयूं, केतिरा ई डॉक्टर उन्हनि खे अञा ताईं ज्वाइनिंग उन्हनि जी न थी सघी आहे। सिविल अस्पताल मिठी जी जेका सिविल अस्पताल आहे उनखे उनजो जेको बजट आहे अञा ताईं उहो ओतिरो ई आहे, उनखे सिविल अस्पताल जो दर्जो न ॾिनो वियो आहे। इन हवाले सां तव्हां छा चवंदव? 750 आरओ प्लांट्स लॻाइण जो ऐलान कयो वियो, उन ते अमल न थी सघियो आहे। ऐं 150 आसिफ़ ज़रदारी, अॻूणे सदर आसिफ़ ज़रदारी पारां 150 दस्तरखान लॻाइण जो जेके ऐलान कया विया, इहे काफ़ी सारा ऐलान आहिनि जेके कया विया हुआ कुझु वक़्त अॻु में। तव्हांखे हिकिड़ो अर्ज़ु कयां, थर जी जेका बि रिपोर्टिंग थी आहे या का ॻाल्हि थी आहे, ऐं ज़िमेदारी सां चवंदो आहियां, असां वटि थर मूं तव्हांखे अर्ज़ु कयो 22,000 स्क्वायर किलोमीटर ते फैलियल आहे। ऐं जेकॾहिं हॉस्पिटल सेंटर आहे, मिठी में आहे, इस्लामकोट में आहे, नंगर में आहे ऐं छाछड़े में आहे। उन खां पोइ वरी जेके से असांजूं डिस्पेंसरीज़ आहिनि ऐं BHUs आहिनि। अच्छा, BHUs खे पीटी छा लाइ थी, तव्हां यकीन कयो जेकॾहिं हिकिड़ो बॉर्डर जेको सती ॾे रत पोइ वञी बॉर्डर ते नंगर जे बॉर्डर ते लॻे थो, उते जेकॾहिं को ॿार जी तबियत ख़राब थिए थी त उहे कोशिशि कंदा आहिनि उते कोए खां पोइ जेको सो या उते पंहिंजो देसी इलाज तरीक़े सां करण खां पोइ उहो ॿारो वरी शिफ्ट कंदा आहिनि तालका हॉस्पिटल में। तालका हॉस्पिटल खां उहो वरी अची वेंदो आहे मिठी जी सिविल हॉस्पिटल, ऐं आख़िरी स्टेज ते जॾहिं हूंदो आहे तॾहिं मिठी जी हॉस्पिटल में। ऐं ॿारनि जे जेकॾहिं मरण जो तव्हां रेशो ॾिसंदो त जेके डेवलप्ड शहर आहिनि उन में बि ॿारनि जो मौत हाणे ॿिनि ॿारनि जो मौत को बुख बि कॾहिं कोन थो जान छॾे वञे। ऐं हिते बाक़ाइदे थियूं आहिनि, इहे रिपोर्ट थियूं आहिनि, CM साहब आयो, ऐलान बि कयो आहे, ऐं टियों ॾींहुं इहो थियो त उन्हनि खे जेके से असां जेको कंपनसेशन जे लाइ ऐलान करे वियो त ॿार जी ज़ाहियाती त गवर्नमेंट मोटाए कोन थी ॾेई सघे, या सो उन लाइ कंपनसेशन त कहिड़े तरीक़े सां ॾींदासीं। टियों ॾींहुं बि जेका मीटिंग थी उनमें डिस्कस थियो, उन्हनि जूं जीअं इहे लिस्टूं पोस्टन थियूं त उहो असां शुरू कंदासीं। आरओ प्लांट जेके आहिनि से इन तरीक़े सां इहो बि सॼे थर में तक़रीबन कुझु पॉकेट्स अहिड़ा आहिनि जिते मिठो पाणी आहे जर जो ज़मीन जो, बाक़ी जेके 600 तालुको आहे तक़रीबन खारो पाणी आहे, ऐं ॿिया बि काफ़ी ॻोठनि ते खारो ज़हर पाणी आहे। त असां प्रायोरिटी इहा ठाहीसूं बाबा शुरूआति उन्हनि ॻोठनि खां कयो जिते तमामु खारो ज़हर पाणी आहे। तव्हां यकीन कयो इस्लामकोट जे पासे में ॿ टे ॻोठ मऊ ऐं अखरा जनि, उते त अहिड़ो पाणी अलाए छा उन पाणी में असां कयो एतिरो आहे जो उनजो माण्हू सभु जेके कुमरा ऐं उन्हनि जो जिस्म जेको असां उनमें डीप फॉर्मेलिटीज़ शुरू थी वियूं। असां शुरूआति कईसीं त उते जिते 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 जो तमामु घणो खारो पाणी आहे शुरूआति उतां कयो। तक़रीबन 300 प्लांट असांजा पहुची विया आहिनि। असां लोकेशन्स ते हिते तव्हांखे ख़बर आहे त पटेल हर को चाहींदो आहे त मुंहिंजे घर जे अॻियां आरो लॻे, पर ईअं कोन चयोसीं। असां चयोसीं दमा राज सॼो वे ऐं सभिनी जे राज जो ॿार बचो आराम सां अची पंहिंजो पाणी भरे सघे, फ़ासिलो एतिरो परे न हुजे। राज तमामु वॾा वॾा ॻोठ बि आहिनि, त उन तरीक़े सां पोइ हिन साइट्स ते तमामु घणो हिते थींदो आहे चकर, पोइ वरी ॻोठाणनि खे विहारणु, हिकिड़ी साइट लोकेट करणु, त सभिनी खे ईज़ी एक्सेस ॿारनि खे कीअं किथे जीअं की भई पीअण जो पाणी भरे वञनि रहिया। ऐं इनशाला जेके से हिन तक़रीबन हिन महीने में असांजा 250 नवां आरो प्लांट जेके पहुची विया आहिनि, उहे लॻणु शुरू थी वेंदा। ऐं हॉस्पिटल्स जे लाइ असां जेको डॉक्टर्स जी तव्हां ॻाल्हि कई, उनमें तव्हां मज़ा था चओ त कुझु डॉक्टर्स अहिड़ो हुआ जेके FRC पार्ट 1 कंहिंजी थियल हुई, पार्ट 2 कंहिंजो थियल, उहे हलिया विया हुआ। उहे तव्हां DG खां बि कंफर्म करे सघो था, जे छो जो उन्हनि खे चयो वियो त तव्हां जेको सो हिते हिकिड़ो साल असां तव्हां केॾां बि न मोकल ते वेंदो या केॾां कोन वेंदो, ऐं तव्हांखे थर जो अलॻि सां इंसेंटिव ॾिना वेंदा। अच्छा, उन में इहो थियो जो जेके FRC पार्ट 1 या पार्ट 2 जा जेके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हुआ, उहे आहिस्ते आहिस्ते किस्त खां शुरू थिया, त असां फौरी तौर ते उन्हनि खे डिसमिस ऐं सस्पेंड कयो आहे ऐं यकीनी बनायूं पिया। ऐं जेका कॉलेज जी असां चयोसीं पैरामेडिकल स्टाफ जेको आहे सो हिते
असाजी का एक ब्रांच ठहे डो मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जी या लम्स जी जी सिंध यूनिवर्सिटी जो ब्रांचेस हैं अड़े तरीके से भी कम हले पो गो गो महरान यूनिवर्सिटी के रिक्वेस्ट कई है तो उजा टेक्निकल कॉलेज में जी कोल जो असा थर ज मू टेक्निकल हैंड्स असो हो गो गो दफोरी कमेटी ठही जैमें सिविल सोसाइटी जहा मू मीडिया जहा अस दोस्त जैमें सांझी साहब है खाटा उजानी साहब ये भी कयासी सोनू खंगारन साहब ये जो एनजीओ ज मू कयासी टोटल एक्सपर्ट जी पहली दफो पाकिस्तान की तारीख में थर जी मिटिगेशन पॉलिसी चाहिए है जो नेक्स्ट इजलास में असं उनके पास कराइंदी थर डेवलपमेंट जी परमानेंट बेसिस से छो जो कणक चारो ये शूं जो परमानेंट हल मसलन जो कोने को असानी लीडरशिप की भी यह कोशिश है त जल्दी का जल्द अड़ा मनसूबा उत जुड़िया वन जड़े तरीके से ये थर के मिस्किन मानुन जो ये मसलन जो इन डुकार जो इन पानी जो खास तौर पर हेल्थ के हवा से परमानेंट को सोल्यूशन घुर्जे उन काफी सुा प्रोपोजल आया अस फंड्स भी इनशाला जी ये इंप्लीमेंट थे असेंबली में ये शूं पॉलिसियों पास करूं तो वही मेहरबानी खटूमल साहब अवां जी सिंध न्यूज़ सा गलण के लिए नाजिन पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखंदड़ खटूमल जी वट साहब असा लाइन से हा पर मुझे सवाल सिर्फ एकड़ो यो ही है तो हंगामी बुनियादन से जो थर में कम शुरू किया वो है वो एक पार्ट टाइम कम साबित थे तो पर जरूरत इन गाल की है परमानेंट किया वे मुस्तकिल वे फेयर बनाया वे जो भी कम उत थे तो उनमें जी अनफेयरनेस जो शिकायतू अचन थी उन्होंने दूर किया वे मासूम थरी मानुन जी हालत कदें बदलजंदी उन्हें मिठो पानी पीण कदें नसीब थी उन्हें सेहत जो बेहतर सहूलतूं कदें फराहम थी तालीम जेका लाजमी करार दिनी वही है थरी बार कदें तालीम पिराए सकंदा यो यकीनन वड़ो सवाल है हुकूमत रिलीफ जो इमदादी सरगर्मी जो दवाओं तो कर रही है पर उन बावजूद थर में असें सूरत हाल जी जो तीं ही नजर अचे थी बल्कि उन बदतर प्रोग्राम जो वक्त से पुजाणी पहतो इंदड़ प्रोग्राम तीन मेज़बान सभी मेहमान के दींदा इजाजत अल्लाह।